बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम बहारा को इंजॉय कर रहे होंगे। स्प्रिंग सीजन इज़ हेयर और मौसम बहारा बड़ा मशहूर है शादी के सीजन के लिए। और एज़ यू कैन सी ऑन माई राइट, ये आप देख सकते हैं फूल, और ऑन माई लेफ्ट कैक्टस प्लांट देख सकते हैं। सो वी थॉट के वाई नॉट डू दिस शो इन अ वे कि हमें ज़रा फीलिंग आए कि शादी की बात होने लगी और नौजवानों का फेवरेट टॉपिक है, यू नो, शादी, अर्ली मैरिज। तो चूँकि मौसम बहारा भी है और फूलों का भी सीज़न है और आजकल फूल दिए भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बड़ा ये फूल दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे। सो आई इन्वाइटेड टू गेस्ट इन टूडेज शो और मेरे साथ जो हस्तियाँ हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। एक जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह, ही इज़ अ यंग बॉय of 20 year alhamdulillah aur he is married. It's very rare in our society to get married at such an early age, but he has come on my show alhamdulillah. He accepted, maine inhe kaha ki kya aap aake apna experience share karenge sabke sath, to he agreed. So his name is Amin and he has done his A level aur now mashallah he has applied in Medina University. He got selected in the faculty of Dawa. To ye September mein inshallah jayenge, inke liye bahut si dua bhi karein. और व्हाट अ ब्लेस्ड बॉय ही इज के इस एज में माशाल्लाह ही प्रायोरिटाइज्ड कि मुझे दीन पढ़ना है, और इनके पेरेंट्स ने इनसे एग्री किया, इनके पेरेंट्स ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया। आज के दौर में इट्स एक्सीलेंट, तो दैट इज ऑल द दुआस फॉर हिम। दूसरी जो हस्ती मेरे साथ आज हैं हमारे बहुत पुराने मेंबर रबीउल्ला खान, और यू मे नो हिम ऑब्वियसली, एंड ही इज आर वॉलंटियर्स हेड इन लाहौर, और माशाल्लाह ये इवेंट्स मैनेजमेंट में बहुत अरसे से हमारे साथ हैं, और ही इज़ द मैन बिहाइंड स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव देम एज गेस्ट। और आज का जो शो है, देखें चूंकि शादी पे बात होगी, बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें बड़े सीरियस डिस्कशन होती है, बट आज की डिस्कशन बड़ी मज़े की होगी। मैं इन दोनों के सामने कुछ मीम्स रखूँगा, और वो मीम्स जो शादी की मीम्स बनती हैं, और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दीज मीम्स। सो आई हैव सच मीम्स ओपन, और चले पहली मीम से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा, और आई विल अप्रिशिएट अगर आप बड़े रेलेवेंट सवाल पूछें। आज के टॉपिक, आज का टॉपिक है अर्ली मैरिज, कि व्हाट डज इस्लाम से अबाउट इट, इज इट रियली प्रैक्टिकल, क्या अर्ली मैरिज इज द सोल्यूशन टू फाइट फितना, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, और शादी कैसे होनी चाहिए, क्या किसी से मोहब्बत की जा सकती है, वगैरह वगैरह। सो लेट मी थ्रो दिस फर्स्ट मीम एट बोथ ऑफ यू, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पर कॉमेंट करें। सो द फर्स्ट मीम इज, शादी की बात हो तो अभी छोटा है। यानी जब पेरेंट्स को कहो ना शादी करनी है, तो पेरेंट्स कहते हैं लो अभी इसकी उम्र देखो, अभी तो ये बहुत छोटा है। लेकिन आटे की बोरी उठाकर लाना हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि जवान बंदा है भाई, ले आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट मीम, क्या ऐसा ही होता है अभी हमारे मुआशरे में कि शादी की बात करें तो कहते हैं अभी तो ये बड़ा इमेच्योर है, अभी तो बड़ा छोटा है, लेकिन चीजें मंगवानी हो, सामान उठवाना हो, आटे की बोरी लेकर आनी हो, ये मीम कह रही है, तो कहते हैं तो बड़ा जवान बंदा है, घबरू जवान है। बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर आपको लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आपको कोई चीज करनी है, लाइक अगर आप अपनी डिमांड पेश करते हो कि आपको शादी करनी है, तो नॉर्मली यही आपको आंसर आता है कि अभी वक्त नहीं आया या अभी आप छोटे हो। लेकिन नॉर्मली जब पेरेंट्स ने आपको कोई काम कहना है तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप करो, बिकॉज दे वॉन्ट टू मोटिवेट यू कि आप कोई काम कर लो। लेकिन जब अभी तो आप कोका कोला के मैनेजर बनेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली थ्री फिगर सैलरी होगी, यस यस, उसके बाद प्रमोशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा घर बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, फिर हमको शादी का सोचेंगे। Yes. I mean, what do you think about this meme? I agree with that. I think generally, you know, I think that's how it is generally. Uh-huh. Like, for example, I'll give you an example, although this is not on the topic of marriage. Okay. But for example, let's say when I was younger, you know, I'd ask my parents, you know, to stay up late at night. Okay. They'd be like, no, Amin, you're a bit young, you know, you can't stay up that late at night. Right. But when I had to go downstairs, you know, I was afraid to go downstairs, right, because it's dark and that. Huh. They're like, come on, you're older now, you're a big boy, go downstairs. You're a man. Yeah. So I think generally, you know, it is a bit it like is common that. Notion yeah, it's common. अभी शादी की उम्र नहीं आई, वो maturity नहीं है। वैसे what do you think, Amin, के क्या शादी की कोई खास age according to you maturity के साथ शादी का ताल्लुक है, being a married person, mashallah now? Again, I do think you should and you have to, you know, kind of be mature to make such a huge decision like this, because, you know, this isn't just a trial basis. This isn't just a temporary thing. This is marriage we're talking about, you know. Right.
It's gonna last. What do you think? Maturity से क्या मुराद है? Parents कहते हैं mature नहीं अभी इसकी शादी हम कैसे करें तो बच्चा है अभी. I think maturity से मुराद है कि like you need to be responsible. Like अगर आप अपने अपने घर का जो है आप अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते like parents आपको कहते हैं अब ये चीज लें तो आप भूल जाते हैं. Like अगर आपका अपना room है या आपकी आपकी cupboard है वही fix नहीं आप कर सकते तो आप पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पूरा का पूरा इंसान आपको उसकी जिम्मेदारी सौंप दें. सो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है. तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप केयर करने वाले बन जाए, रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जिम्मेदारी उठाने वाले बन जाए. तो आई थिंक मैच्योरिटी ये जो डेफिनेशन है जिम्मेदारी उठाने वाली. तो इफ यू लुक एट योरसेल्फ ऑल्दो इट्स अ बिट ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, डू यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ बिफोर गेटिंग मैरिड? When it comes to, I would say, jo main cheeze hai, you know, being responsible and some of those stuff, alhamdulillah, yes, I was. I'm just going to tell you a little joke right now. Before marriage, you know, when it comes to house chores and stuff, right? I'd forget to do my chores. Always, I'd forget to do my chores. Right. So, you know, my dad would come up, kehte mean, 20 saal ho gaya, shaadi karni hai, abhi tak chores nahi kar sakte. So, but yeah, responsibility is a huge thing. Because you know, baad mein ek banda aapke saath attach hoga, usko bhi dekhna hai, apne aap ko bhi dekhna hai. So responsibility is a must. Absolutely. Acha, isi se related ugly meme main aap logon ko sunata hu. Walida apni beti ko kuch tasveerein dikha rahi hai ladkon ki aur likha hua hai ki ye ladka dekho beta kaisa hai. To beti ne kaha ki mujhe nahi dekhna, main khud dhoond lungi apne liye. Acha, ye bhi ek humne discuss karna hai ki apne liye koi dhoond bhi sakta hai ki nahi dhoond sakta. Acha, वाला ने कहा कि बेटा आपको सामने रखा सामान तो मिलता नहीं है, आपको लड़का क्या खाक मिलेगा. तो ये इसमें दो पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगा. पहला पॉइंट ये है कि क्या लड़की लड़का ढूंढ सकती है या लड़का लड़की ढूंढ सकता है खुद से? क्या इस एज ग्रुप में 17-18 साल में 16 साल में इतनी समझ होती है? डू यू थिंक कि यू कैन चूज समवन एंड यू कैन थिंक के ये मेरे फैमिली में भी एडजस्ट होगा, मेरे साथ चलेगा? बिकॉज शादी एक बंधन है. शादी इज नॉट बिटवीन टू पीपल इन आवर सोसाइटी स्पेशली, इट इज बिटवीन टू फैमिलीज. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम, कि क्या देख सकते हैं खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं या पेरेंट्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? आई थिंक ऑब्वियसली खुद भी देख सकते हैं, लेकिन your parents know you the best and obviously they want what's best for you ultimately. You know, we might be seeing a smaller picture, ke bas I like her, they see the whole big picture. So they're looking at everything. I think again parents know the best. I would rely on excellent, them. Excellent, excellent. Bahut mature baat ki waqai. Aap mashallah responsible ho gaye shaadi ke baad, zyada ho gaye aur hikmat ki baatein karne lage. I think aap hakeem ban jaye aur shaadi ke baad. To inhone kitni zabardast baat ki ke parents have the bigger picture. You may have the picture but they have the bigger picture. Lekin again main aapki taraf aaunga ke शादी के लिए क्या हम खुद से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने से क्या मुराद है? मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों पे बैठता हूँ लड़कियां सिलेक्ट करने के लिए. तो क्या ये है सिलेक्ट करना कि जो भी गुजर रहा है यू आर चेकिंग आउट एंड यू आर यू नो गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मैं तो शादी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ? एक्चुअली आप फुली अगर आप जिस तरह आपने अपने दोस्त की एग्जाम्पल दी है तो वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम सिलेक्शन है, यू नो, बट दिस सिलेक्शन इज फॉर द हेयर आफ्टर एक्चुअली. बट यू रियली थिंक कि ये जो स्पाउस है ये मुझे दोनों दुनिया में कामयाब करेगा एंड शी इज अ टिकट टू जन्नत टू मी. सो इफ यू रियली थिंक और आप फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल और पेरेंट्स डिसीजन करें. यू डू इस्तखारा, यू नीड टू आस्क अल्लाह सुभान व तआला एज वेल एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल. बिकॉज जिस तरह अमीन ने कहा है कि जो पेरेंट्स आपको दे नो यू कि आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप सबर कर सकते हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो एंड द पर्सन इज कमिंग टू योर फैमिली. Is it fit in or not? तो मेरे ख्याल से कि parents को भी involve करें, लेकिन जो आपका पहला question था, you can select for you, but there is a criteria in Islam. अगर उस criteria पे कोई उतर रहा है, then definitely you should go for that person. अच्छा, I mean, अगर कोई किसी को पसंद करता है, parents को कैसे बताए? Let's know it from you. Okay, how will you convince? You know, आप तो माशाल्लाह अब शादी हो चुकी है, लेकिन what advice you will give to youngsters कि अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने parents को कैसे बताएं? Obviously, you if you do, you do want to approach your parents. Do approach them, you know, with a mature approach. You know, you can't be silly and be like, oh, I like it, I just want to get married. There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take it. चलिए थोड़ा sentences बताएं, क्या sentences quote करें, थोड़ा सा अगर आप उर्दू भी बोलें क्योंकि हमारी audience request कर रही है कि थोड़ा सा उर्दू
urdish, you know, yeah, urdish, plus english, yeah, mixed, yeah, language, mixed language. Mm-hmm. Koi sentences, how should a person approach ke ammi mujhe koi pasand aa gaya, ya kya sentence kaise start kare? Big sentence. It's gonna take me a little bit of time to think that, yeah, right now. Ravi bhai, you tell me. Ravi bhai, tab tak wo sochte hain, chale aap bataye ki how should a person approach parents ke usse ko pasand aa gaya. Mujhe bahut se youngsters kehte hain ji mujhe ye pasand aa gayi, wo pasand aa gayi, academy mein ko pasand aa gaya, college mein ko pasand aa gaya, ab main parents se kaise baat karun. If you talk about my case, maine apne parents se kabhi chupaya nahi hai ki mujhe agar koi pasand aaya to. Acha, theek hai, frankly speaking. Okay, kitna aapko matlab pasand aaya? जितना भी पसंद आया, बट आई नेवर हाइड फ्रॉम माय मदर स्पेशली कि अगर मुझे कोई पसंद आया, आई लाइक से हर के भाई ये है, क्योंकि आई वाज सो सीरियस अबाउट माय मैरिज, बिकॉज मुझे था, बिकॉज एवरीवन नोस हिज कि वो उसको किस तरह है, बिकॉज जब मैंने इस्लाम पढ़ा और जब मुझे अंदर पता चला कि ये चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं, लाइक आई नो माय लिमिट्स, तो आई कांट क्रॉस माय लिमिट्स, और इस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता अंटिल एंड अनलेस कि मुझे एक एग्रीमेंट में आना है, मुझे एक जिम्मेदारी वाला एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट में आऊंगा तब ही मैं ये चीज कर सकता हूँ, अदरवाइज अल्लाह सुबहाना व ताला नाराज हो जाएंगे मेरे से. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मुझे किसी ना किसी तरीके से तो कन्विंस करना पड़ेगा. ठीक है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जान लेते हैं कि आप अगर मैच्योर हो चुके हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें, ठीक है, और पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं. नॉर्मली आजकल के बच्चे हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनके लिए एक जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन वो हेयर आफ्टर वाली नहीं होती, वो बताते भी नहीं है. पहली बात सिली वे, जैसे सिली वे, अगर पसंद आ गया, लाइक दे वुड से कि यार शी इज माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दिस, दे वुड नॉट से कि यार आई वांट टू मैरी हर, she is my life. लेकिन क्या पता वो इसलिए ऐसा नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है पेरेंट्स ने आगे से कहना है कि शक्ल देखी है, ये भी हो सकता है, या उम्र देखी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. उनका अगर कोई उनको बैकलैश आ जाए उसके भी वो हेजिटेट करते हैं, उनको शायद वो डीमोटिवेट ना हो जाए, इसमें डर भी होता है. लेकिन आई रियली फील के पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना, हज़रत मूसा की दुआ पढ़े, बिकॉज आई यूज टू से सो मच लाइक बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह एंड हज़रत मूसा की दुआ, बिकॉज व्हेनेवर यूज टू टॉक विद मूसा की दुआ के रब्बी शहली, अच्छा अच्छा ये वाली रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये भी सुना है कि शादी हो जाती है ये भी, और लाइक रब्बी शहली सदरी वाली, बिकॉज व्हेन यू यू नीड टू कन्विंस, बिकॉज हज़रत मूसा वेंट टू फिरौन, तो पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना, तो आप उनसे ये बात करें, लेकिन पूरी बात करें, शेयर जरूर करें. नॉर्मली हम शेयर नहीं करते, हिडन फैक्ट होता है, अगर हिडन पता भी चल जाए तो पेरेंट ट्रस्ट नहीं करते. एंड यू बेटर हैव गुड आर्गुमेंट्स, यस यस यस, क्योंकि पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, यस. और देखिए आपके इंटरव्यू पेरेंट्स पहले ही कर लेते हैं, जब आपका बिगर पिक्चर, या बिकॉज जब आपका फाइनल इंटरव्यू होना है वो उसमें आप रहना जाए, तो आप पेरेंट्स ही आर्गुमेंट करें, आपका फादर आपसे क्वेश्चन करेंगे, मदर आपसे क्वेश्चन करेंगी, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ प्रिपरेशन, जब आपका लड़की वालों से इंटरेक्शन होना है, जब उनके फादर आपसे इंटरव्यू करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रेप. बिल्कुल सही. एक मैं मुझे वो याद आ गया, एक फनी क्लिप था, बाबा अली एक कॉमेडियन है, मुस्लिम कॉमेडियन, उन्होंने बनाया एक फनी क्लिप के वो अपने अब्बू के पास गए और अपने अब्बू से पूछा, वीडियो है पूरी फनी वीडियो, और वो अपने अब्बू कहा कि बाबा कैन आई लाइक सम गर्ल, कैन आई यू नो प्रपोज सम गर्ल, तो बाबा ने कहा कि यस श्योर, एज लॉन्ग एज शी लिव्स इन दिस हाउस, एज लॉन्ग एज शी इज दिस फीट टॉल, एज लॉन्ग एज शी इज फ्रॉम आवर फैमिली, एज लॉन्ग एज शी इज ऑफ दिस 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 कास्ट, यानी सारी कंडीशन रख के कहा नाउ यू कैन चूज व्होमएवर यू वांट. तो ये भी हमारी सोसाइटी में होता है कि यस वो दे तो देते हैं चॉइस, लेकिन जाहिर है कि फिर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन, कास्ट ही होनी चाहिए, हमारे फैमिली के मुताबिक होनी चाहिए. ऑल्दो ये देखने में कोई हर्ज नहीं है, वील कम टू दिस डिस्कशन कि ये चीजें भी देखनी चाहिए. एंड एज यू सेड, आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर, स्पेशली एट सच अ यंग एज, यू यू नो यू यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे होते हैं, किसी से दिल लग जाता है, देन आवर यू डजंट नो द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनफैटुएशन एंड लव. इनफैटुएशन इज समथिंग टेम्पररी, कुछ देर के लिए होती है, और हमारी यूथ को तो हर साल सच्चा प्यार होता है यूनिवर्सिटीज में, मतलब एक साल हुआ, उस ब्रेकअप हुआ, फिर अगले साल फिर सच्चा प्यार हो गया. तो ये सच्चा प्यार भी बड़ी एक मिस्ट्री है कि व्हाट इज सच्चा प्यार. डू यू थिंक सच्चा प्यार बिफोर मैरिज इज पॉसिबल? आई डोंट रियली थिंक सो, बिकॉज़ I believe that, you know, once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala, you know, wo sacha pyar aapke dil mein rakh dete hain. Allah dil mein rakhta hai. Yes. Aapke mawadda wa rahma. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing, amazing. Aur iska jo dusra aspect tha meme ka, wo ye tha ki responsible nahi hai abhi banda. तो मेरी यूथ से ही रिक्वेस्ट है कि देखें,
थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत गंदा ट्रेंड है, वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नशे में लग गया है, ये पागल हो रहा है, इसकी शादी कर दो, यानी औरत आके इसे ठीक कर देगी। वो ठीक क्या बेचारी करेगी, वो खुद फंस जाती है, वो एक्चुअली अपना बर्डन उस पे डाल रहे हैं, बर्डन उस पे डाल रहे हैं, और वो हो सकता है वो ठीक हो जाए। देखिए कुछ केसेस में ऐसे होता है कि बच्चा इतना खराब नहीं है, थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बट डोंट टेक दिस रिस्क यार, आप किसी की बच्ची को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे बेटे को ठीक कर देगा, ये हमारे मोचने में एक सोच पाई जाती है, बट पहले से उसकी तरबियत ऐसे करें कि वो रिस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट वो अपने काम तो कर सकता है ना, जैसे आपने कहा मैं अपने काम करता था। एक और मुझे यहाँ से बात याद आई कि आप दोनों से सवाल मैं करूंगा कि शादी सुना है कि रिस्क बढ़ाती है, और मेरे पास बहुत सी मिसालें हैं, मेरे तीन दोस्त की मेरे पास मिसालें हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी, उनकी शादी, उनकी जॉब्स लग गई, और एक की मिसाल है कि उसकी शादी हुई और उसकी जॉब में उसको तरक्की मिली। So have you experienced such a similar thing? Yes, alhamdulillah, I have. Sure. I remember, you know, I was just working a normal job, work from home before marriage. Alhamdulillah, you know, families met, date pakki ho gayi thi, ye wo. To alhamdulillah, shaadi se 2 hafte pehle, I got promoted at work, alhamdulillah. Mashallah, mashallah, amazing. Yeah, alhamdulillah. Amazing. So that, you know, shaadi. You experienced it yourself? Yep, I literally experienced it myself, alhamdulillah. What do you think about this? Exactly. मैन आई वॉज लाइक जब मेरी शादी हुई तो आई वॉज अर्निंग लाइक जो भी अमाउंट में कमा रहा था, लेकिन आज मैं 5 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद 5 गुना ज्यादा, माशाल्लाह। अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह ने कहा कि इनको हम गनी करेंगे, सूरह नूर की आयत है। एग्जैक्टली, ये इससे ना डरें, हम इनको गनी करेंगे, और वो भी एक हदीस आती है ना कि 3 लोगों की स्पेशली अल्लाह मदद करता है, पर्सनल पर्सनल हेल्प करता है। इधर हदीस आता है, एंड यू नो व्हाट, अल्लाह अली भाई जब मेरी आई वॉज विलिंग टू गेट मैरिड बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अर्निंग मच, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी से हम कह रहे हैं कि आप हमें अपनी बेटी दें, तो दे सी दिस, फाइनेंशियल टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो आई यूज टू प्रे अल्लाह सुभाना व तआला कि या अल्लाह, ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है ये झूठी नहीं हो सकती, और आप पर्सनल, मुझे आपकी पर्सनल मदद चाहिए, मुझे लोगों की मदद नहीं चाहिए, आई वॉन्ट यू इन दिस अफेयर, इन दिस मैटर। सो मैं इसका रेफरेंस देता था दुआ में, एंड अल्लाह सुभाना व तआला हेल्प मी। और इसके साथ साथ जो मैं लिंक करना चाहता हूँ वो ये है, अल्लाह सुबहाना बताने रिस्क की बात की, नॉर्मली आपने कहा कि मैंने देखा है कि रिस्क बढ़ जाता है। आई थिंक कि शादी के बाद जिस तरह प्रोफेसर ने कहा कि इंसान का आधा ईमान कंप्लीट होता है, उसके बाद जो आधा बचा है उससे अल्लाह से डरो, उसके लिए अल्लाह से डरो। जब आप उससे आधे वाले से अल्लाह से डर रहे हो, अल्लाह सुबहाना तआला कुरान में कह रहे हैं कि मैंने तक्वा इख्तियार करो, आई विल गिव यू एंड यू कांट इवन इमेजिन, तो फिर अल्लाह तआला दे रहे हैं। इट इज अबाउट तक्वा, इट इज नॉट अबाउट शादी हुई तो आपने आपका रिस्क फट गया, इट इज अबाउट तक्वा। देखें ये मैं ऑडियंस को बताता चलूं, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें नहीं हो रही हैं, ये ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पर्सनली ये चीज एक्सपीरियंस की है। इसका काउंटर भी है, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी मैंने शादी की मेरी तो जॉब चली गई, कोई कहेगा जी मैंने शादी की मेरी तो जिंदगी में वो तरक्की रुक गई, तो ये एक्सेप्शन है, अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, ट्रायल है। जनरली हमारा इस पर ईमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, कुरान की आयत है मैं गनी करूंगा, भाई तवक्कल करके करें ना इस वादे पे, जो है वो अमल करते हुए शादी करें और फिर देखें इसकी कितनी बरकत होगी। और ये दो लोग नहीं है, ये कितनी केस स्टडीज हैं कि जिन्होंने शादी की, निकाह में आए, क्योंकि निकाह के बाद बंदा हलाल में आ जाता है, निकाह में आने के बाद बंदा एक फोर्ट्रेस में आ जाता है। अल्लाह ताला ने फोर्ट्रेस कहा है निकाह को, किला कहा है, ये इंसान को प्रोटेक्ट करता है, फोर्ट्रेस का काम ही प्रोटेक्शन होती है, राइट? तो इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फितनाज, इट हेल्प्स यू लोअर योर गेज, इट हेल्प्स यू स्टे कमिटेड, यू नो, अगर आप अच्छे खानदान से हैं देन फिर बात करो, एंड इट हेल्प्स यू, यू नो, बी सेफ फ्रॉम पोर्नोग्राफी, फ्रॉम द, यू नो, फिल्थ ऑफ पोर्नोग्राफी एंड ऑल सच फितना। यस, इट इज अ वेरी 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 प्रैक्टिकल मेथड टू, यू नो, कंप्लीट हाफ योर ईमान। अच्छा, नेक्स्ट जो मीम है मेरे सामने, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मीम है जी। लड़का हाथ में रोज पकड़ के आया है और उसने लड़की को कहा है कि विल यू मैरी मी। अगेन ये वो जो आजकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इसमें हम आएंगे अभी। और लड़की ने आगे से कहा है आई लाइक यू बट डॉट डॉट डॉट, और फिर लड़के ने क्रेडिट कार्ड निकाला है कि विल यू मैरी मी, तो लड़की फौरन मान गई कि यस आई विल मैरी यू। वेरी आयरॉनिक, हम इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि पहली तो बात लड़की को यूं फूल देना जाके, भाई अगर आप इतने ही मर्द के बच्चे हो उसके वालिद को फूल दो जाके, लड़की के वालिद को फूल प्रेजेंट करो, लड़की को क्यों आप कर रहे हो, लड़के के वालिद से जाके जो है वो उसका हाथ मांगो। लेकिन एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस मीम, बड़ी मशहूर मीम हुई, क्रेडिट कार्ड निकाला तो फौरन मान गई। तो ये भी एक अलमिया और आयरोनिक है कि मतलब लोग ये समझते हैं कि
जैसे जहेज की एक मुहिम चली थी, एंटी जहेज कैंपेन, तो उसके जवाब में लड़कों ने एक मुहिम चलाई कि लड़कियां भी तो फिर क्रेडिट कार्ड देखती हैं और सिक्स फिगर्स देखती हैं. तो डू यू थिंक कि ऐसा गोल्ड डिगर जो एक टर्म है वेस्ट में ज्यादा कॉमन है? अनफॉर्चुनेटली ये मेरे पास एक लड़का आया तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वो रोने लग गया, कहता कि यार मुझे जो है ना वो ब्रेकअप हो गया मेरा. तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ब्रेकअप होते रहते हैं. मैंने भी थोड़ा मजाक किया उसके साथ, मैंने कहा कि इंशाल्लाह तुम्हारी शादी कराएंगे, कोई मसला नहीं. ये सेड के दुख ब्रेकअप का नहीं है, दुख इस चीज का है कि मेरा लाखों रुपया लग गया. कभी मैं ये गिफ्ट ला के देता था, कभी मैं जो है वो शॉपिंग करा के लाता था, कभी मैं कैफे से खाना खिलाता था, स्टेक खिलाता था. तो बहरहाल इट डजंट मीन आई एम डिग्रेडिंग आवर वुमेन. माशाल्लाह हमारी जितनी पाकीजा और जितनी हयादार अभी तक हमारी सोसाइटी की औरत है, ये मेरा चैलेंज है, वो किसी सोसाइटी की औरत नहीं. यस, मुस्लिम माशरों की ओवरऑल बात कर रहा हूँ. पाकीजा और हया से ये मुराद है कि मतलब रिलेटिवली पाकीज़ा और हया. यस, बाकी कल्चर्स में भी हो सकती हैं, हम किसी पे खुदा ना खास्ता वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा रिलेटिवली पाकीज़ा और हया वाली औरत अभी तक भी हमारी है. बट दिस इज आयरोनिक एज वेल, दिस डज एग्जिस्ट. और लड़के जैसे हमारे पास आते हैं और रोते हैं. आई थिंक जिस तरह मैं अब शादी के बाद भी, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई एमफिल, और मैंने शादी के दौरान ही अभी मैं स्टूडेंट्स में रहा हूँ एक्चुअली. तो मैंने ये नोट किया है कि ये टू साइडेड है. लाइक बॉयज भी सिर्फ ब्यूटी देखते हैं, दे जस्ट वांट ब्यूटी, दैट्स इट. क्राइटेरिया क्या है? वेरी वैलिड, बिकॉज आपके भी दोस्त होंगे अनमैरिड अभी, मेरे भी काफी दोस्त अनमैरिड हैं. व्हाटएवर यू से, लाइक कैसी चाहिए? ब्यूटीफुल. Like they don't have any criteria. जैसे अब्दुल रहीम ग्रीन एक टर्म यूज करते हैं, मेगन फॉक्स इन हिजाब चाहिए. या एग्जैक्टली, ये दोनों साइडों पे है. अब दूसरी बात ये कि अगर आप पेरेंट्स की बात कर लें, अगर आप लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, तो लड़की वाले दे आर लुकिंग फॉर दिस, बट लड़के वाले दे आर लुकिंग फॉर द ब्यूटी, दैट्स इट. बिकॉज़ दे उनका वो क्राइटेरिया नहीं है ना. वेरी वैलिड. क्राइटेरिया सेट नहीं है, क्राइटेरिया इस्लाम के मुताबिक नहीं है. क्राइटेरिया ये कि पीपल वुड बी वॉचिंग ओवर बहू, How would she will be looking? वो प्रेशर है. लड़के का प्रेशर ये लड़की वालों का के पूछेंगे कि कितना कमाता है, सेट है, सेटल्ड है, कितना पड़ा. क्राइटेरिया सेट नहीं है जो इस्लामिक क्राइटेरिया. इसकी वजह से लेट मैरिजेस हैं, इसकी वजह से लड़के कहते हैं हमें इतना कमाना पड़ेगा. लड़कियां जो हैं वो अपना लाइक जिम्स आर ऑन, दे आर डूइंग सो मच टू लूज देयर वेट, लाइक वट एवर दे आर डूइंग टू मेक देम सेल्फ ब्यूटिफुल. वो अपना लाइक वो जो अल्लाह सुभान व तआला ने उनको जैसा बनाया उसको चेंज भी करना चाहती है. इस हद तक भी इंसान जाता है जस्ट टू दैट क्राइटेरिया. कुछ ऐड करना चाहते हैं? वन थिंग, दिस इज आई वुड से यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर लड़की religious, God-fearing, sara kuch, to everything else becomes a lot easier. For example, jaise Rabi bhai ne paiso ki baat ki hai, looks ki baat ki hai, ye wo, if you put Islam first, to the rest of the things just fall into the puzzle. Sara kuch asaan bana dete. Amazing, amazing. So, you know, a God-fearing woman and man, obviously, religious, stuck to the deen, everything else, and inshallah, will become so easier. So proud, mashallah. Kitne, dekhen, kitna achha lag raha hai ki youngster ke muh se baatein sun rahe hain hum. Hum to karte hi rehte hain, lekin mashallah, barakallah, अल्लाह इन्हें बरकत दें, ईमान दें. सो एक और मीम चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैरिज तय हो गई दो लड़के लड़की की, लेकिन अचानक से लिखा हुआ है नीचे ली पंडित, कि पंडित कहता है अचानक से कि शादी जो है वो अगले साल होगी क्योंकि आपका इस साल का मुहूर्त नहीं निकला. तो ये जो मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है ना कि आपका टाइम नहीं है अभी शादी होने का, तो ये यहाँ भी एग्जिस्ट करता है. लोग इस्तखारा कराते हैं शादी का और फिर वो पीर साहब या जो भी है ना वो कहते हैं कि आपका इस्तखारा नहीं आया, आपका इस्तखारा ठीक नहीं आया, या आपका इस्तखारा इस महीने का नहीं आया, या आपका जो है ना इस्तखारा पूरे साल का ही नहीं आया, तो आप जो है ना वो अगले साल करो या इस डेट को करो. व्हाट इज दिस? क्या मतलब शरीयत में इसकी कोई चीज मिलती है, दलील मिलती है कि शादी की एक खास डेट होती है, शादी का एक खास मंथ होता है और मुहूर्त टाइप चीज, यानी जिस तरह वो मुहूर्त निकलवाते हैं यहाँ पे इस्तखारा निकलवाया जाता है और पीर साहब जो कह दें उसी पे अमल किया जाता है. ये मी पर्सनली मैं तो नहीं एग्री करता हूँ कि यू नो देयर शुड बी अ फिक्स्ड डे अकॉर्डिंग टू समवन एल्स, ये वो. लेकिन जब आपने इस्तखारा की बात की है, इस्तखारा ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पर्सनल पर्सन ऑफ कोर्स पर्सनल इस्तखारा, यू नो वन ऑन वन यू एंड अल्लाह हैव अ कन्वर्सेशन, यू नो डू योर इस्तखारा एंड देन मेक अ डिसीजन. So, इस्तखारा आपने किया था? इस्तखारा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. कितना करते रहे थे आप इस्तखारा?
usually I would do it a lot, like on emotional nights I would do it a lot more. Allahu Akbar. Emotional more. Nights. When your taqwa is high, when your deen is high, you know, go for istikhara. But yeah, alhamdulillah, istikhara. Kehte hain ki istikhara ka jawab bhi aata hai ki wo khwab mein kuch nazar aata hai. Is it true? Aapko istikhara ka sign kya tha aapke liye istikhara ka sign? Well, a sign is not necessary, you know. If you've done istikhara and everything's going smooth, that's a sign that you know this is good. Allahu Akbar. Mashallah ji, dekhen कितनी पते की बात. ये मैं आपको कहा ना, शादी कराने का फायदा है कि बंदा वाइज बन जाता है, बंदा जो है वो उसका दिमाग ही जो है वो मैच्योर हो जाता है. माशाल्लाह हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठी है. तो रबी, ये जो इस्तखारा करते हैं और करवाते हैं एक्चुअली, इसकी कोई शरीयत में दलील या आपको लगता मेरे है कि... इल्म में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने हदीस पढ़ी कि प्रोफेसर सल्लम जो हैं वो सहाबाए कराम को इस तरह इस्तखारा सिखाते हैं जिस तरह कुरान सिखाते हैं, कुरान की सूरत सिखा रहे हैं. अगर आप इस्तखारे की दुआ पढ़े, सो अमेजिंग, इतनी ब्यूटीफुल दुआ है, और उसका अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ें तो उसमें लाइक उसका मफहूम यही है कि अगर ये मेरे लिए रिलीजियसली अच्छा है, माशी तौर पर अच्छा है, सोशली अच्छा है, तब इसको मुझे करीब कर दें, अदरवाइज से दूर कर दें. एंड आई रियली फील, जब मैं ये सोचता हूँ तो आपने अल्लाह सुभाना व तआला से सजेशन ली है, तो अगर आपने मशवरा अल्लाह सुभान व तआला से ले लिया तो उनसे बड़ा कौन हकीम है. और पर्सनली आपने लेना है ना, देखे आपके घर वाले भी इस्तखारा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ओन पे करेंगे. वो कहेंगे कि अल्लाह मैं अपने, जैसे वालिद कहेंगे अल्लाह मैं अपने बेटे की शादी करना चाह रहा हूँ, वो उस टर्म्स में करेंगे. आप अपने उस पर्सपेक्टिव से करेंगे, मदर अपने पर्सपेक्टिव से. लेकिन किसी और से जाके, आउट ऑफ द फैमिली जाके किसी नेक आदमी, चले नेक आदमी को आप कहें कि हमारा इस्तखारा कर दें, इसकी पहली तो बात शरीयत में दलील नहीं है. दूसरा, मान लें जी कि नेक आदमी चले इस्तखारा करके दे देता है, जिस चीज पे शरीयत का ठप्पा नहीं है वो रिलायबल नहीं है. ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक जगह काम करते हैं, कुछ चीजें बाय लॉ बाय रूल आपको बताई गई हैं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये चीज करनी है, तो वो कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल, अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ. तो आप उन्हें वो लॉ या रूल कोट करेंगे तो वो आपको इजाजत दे देंगे. लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहते हैं जो रूल्स में ही नहीं है, जो लॉ में ही नहीं है, तो फिर उस चीज की वो इजाजत नहीं देंगे, ना गारंटी देंगे. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो किसी का हो सकता है कि उन्होंने फलाने नेक आदमी से इस्तखारा कराया, इस्तखारा ठीक आ गया, शादी हो गई और उसके बाद हंसी खुशी रहने लगे. लेकिन इस्तखारा पर्सनल होता है, इस्तखारा अल्लाह और बंदे का आपस में ताल्लुक है. मशवरा लेते हैं हम अल्लाह ताला से, और लोग ये समझते हैं कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मैं इस्तखारा कैसे करूंगा. भाई अगर आप गुनाहगार हैं, दिस इज द चांस टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद अल्लाह. मैं आपको बताऊं कि मेरा रिलेशन अल्लाह से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था ड्यूरिंग इस्तखारा. व्हेनेवर आई स्टार्टेड इस्तखारा अबाउट एनीथिंग, मेरा रिलेशन अल्लाह से बेहतर होता है. तो ये तो चांस है कि आप अल्लाह से रिलेशन बेहतर बनाए. लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस्तखारा नहीं करेंगे, वी आर टू सिनफुल. तो ये इट्स जस्ट लाइक सेइंग के बिकॉज़ आई एम टू डर्टी आई एम नॉट गोइंग टू टेक बाथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर्टी हो चुका हूं तो मुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है. एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मीम. नेक्स्ट मीम है जी के पहले शादी में दुल्हन की तरह सिर्फ दुल्हन तैयार होती थी, लेकिन अब फोटो अपलोड के चक्कर में सारी गर्ल्स दुल्हन की तरह तैयार होती हैं. तो डू यू एग्री विद दिस मीम? आई एग्री विद दैट 100%. काफी दफा ये हुआ कि यू नो वी हैव गॉन टू इवेंट्स एंड सम अनफॉर्चूनेटली सम इवेंट्स यू नो दे आर नॉट segregated, you know, they're all mixed. Right. So I'm confused, like who's the wife exactly, because who's the bride? Allah Akbar. I'm confused. Okay, ke inme se bride ko. Because they're all, you know, the amount of makeup and jewelry, and I'm confused. I'm like, okay, who is it? Right. So I agree. Allah Akbar. Ji, Rabi, aap kaise agree? Exactly agree. Kaise hota hai? Why? Ye trend kyun? Actually, I really feel ke it's a peer pressure as well. Ke females like even ke males unko hota hai ki yaar hum kaise lag rahe honge, aur society mein agar main ja raha hu ya main ja rahi hu to usne kuch aise kapde pehne hain, maine aise kapde pehne hain, to maine normally maine aise logon ko dekhe, kuch log events hi nahi attend karte ki unke paas naya suit nahi hai. Like phir lete hain ek din pehle lete hain, wo bhi mehanga, ek din usi din lete hain, usi din ja ke lete hain, aur agar na mile to wo usko postpone karte hain, hum nahi jayenge, cancel kar dete hain. पर स्पेशली अगर देखें किसी की अम्मी अगर ऐसे कैंसिल कर दें तो पूरी फैमिली नहीं जाती. पूरी फैमिली नहीं जाती. लेकिन जी सॉरी, कीप इन माइंड के यू नो ऑब्वियसली देयर्स नथिंग रॉन्ग इन यू नो गेटिंग ड्रेस्ड अप, स्टे ड्रेस्ड अप, बट डोंट ओवरडू इट. यही मैं सवाल पूछने लगा था कि वैसे हर्ज क्या है यार, अगर कोई नया खरीद लेता है कपड़ा, तैयार होना चाहता है, चले इतना ओवरडू ना करें कि आप भी पार्लर में जाके दुल्हन की तरह तैयार हो रहे हैं. तो ये एक ट्रेंड जो है ना, मेरे ख्याल है इसमें टाइम का भी बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, और इसमें
मनी भी वेस्ट होता है। प्रॉफिट असल में कहा कि सबसे बेहतरीन शादियां हैं जो सिंपलिसिटी, बट हैविंग सेड इट, तैयार होने में कोई हर्ज नहीं, जाहिर है खुशी का मौका है, आप नया सूट पहने, अच्छा सूट पहने, बट एज यू सेड कि डोंट ओवरडू इट। ओके जी, नेक्स्ट मीम, वाइफ ने कहा शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ओके, तो हस्बैंड ने इसके जवाब में कहा कि एग्जाम क्लियर होने के बाद कौन पढ़ता है यार। नाउ दिस इज अ वेरी सिली मीम, बट इसके पीछे भी एक बड़ा आयरोनिक सा ट्रूथ है कि ये मीम बताना ये चाह रही है कि शादी के बाद रोमांस खत्म है, और रोमांस सिर्फ जीएफ से किया जा सकता है, हैंग आउट सिर्फ जीएफ के साथ किया जा सकता है, और जो वो एक दोस्ती वाला रिलेशन है ना, जरा कैजुअल सा रिलेशन, वो जीएफ के साथ होता है। वाइफ को तो हमने नीचे लगा के रखना है, थल्ले लगा के रखना है, वाइफ मेरी जीएफ कैसे बन सकती है, वाइफ के साथ थोड़ी मैं इतना एडवेंचरस और हैंग आउट करूंगा। तो इसमें वो बताया जा रहा है कि एग्जाम क्लियर होने से पहले के बाद कौन पढ़ता है, यानी मैंने प्यार सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए शो किया था, अब तो शादी होगी, अब प्यार करने की, रोमांस करने की क्या जरूरत है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I said it earlier as well कि मैं, मुझे तो यही लगता है कि आफ्टर निकाह, you know, is when the सच्चा प्यार starts. After that, that's what you call real love. Before that, it's just imagine कि आपकी शादी, arranged marriage की अगर मैं बात करूँ, आपकी शादी parents ने की, and you are meeting your wife for the first time in detail. Yeah. On that night, निकाह की जो रात हुई है, रुखसती की जो निकाह रात हुई है, इसके बाद you have a lot to know about her. She has a lot to know about you, and you have a lot to ask her. She has a lot to ask her. Yani this is that life जिसमें दोस्ती होगी, प्यार होगा, अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी, और कितना अच्छा लगेगा, नई नई बातें खुल रही हैं, और थोड़ा सा इनफॉर्मल होने में टाइम लगेगा। या तो आई थिंक यू मस्ट हैव फेल्ट ऑल दीस थिंग्स। आई एग्री, इट टेक्स टाइम। द बेस्ट थिंग इज, यू नो, you get to know each other at the same pace. You know, you grow up together. Ye sara kuch alhamdulillah. Abhi main Ameen ke sath aa raha tha to inhone mujhe ek bada mazey ka waqia sunaya. I like kya wo thoda sa yahan bhi sunaye waqia kuch aise ki he said ke hamari jab meri jab shaadi ho rahi thi to maine pehle hi ladki walon ko bataya ki mujhe itna na express karna aur wo rakh rakhav pakistani culture, because he's been in UK all his life. तो ही रिसेंटली शिफ्टेड टू पाकिस्तान सम ईयर्स बैक। तो ही सेड कि मुझे इतना वो, मैंने बताया मुझे रख रखाव शायद नहीं आता, मुझे गिफ्ट प्रेजेंट नहीं करना आता, तो आप इसका माइंड ना कीजिएगा। एंड देन ही प्रेजेंटेड गिफ्ट टू हिज वाइफ। थोड़ा सा आप बताएं कि हाउ ही प्रेजेंटेड इट, और अभी तक जोक होता है उसके बारे में। अभी तक ये माय वाइफ स्टिल नोज मी सी सेइंग जा, आई मीन आपको अभी तक गिफ्ट नहीं यू नो आई रिमेंबर फर्स्ट नाइट, यू नो आई गॉट द गिफ्ट, तो मैंने उनको ना मुझे तो पता ही नहीं था। तो एनीवे गिफ्ट दे दिया मैंने, कह ले यू नो आपका गिफ्ट, आप देख ले। तो शी लाइक, बाद में शी सेड टू मी कि यार आप थोड़े यू नो पास आके बैठ जाते हैं, ये गिफ्ट देख ले, ये थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उसके बाद आप जरा। मैंने तो ऐसे ही गिफ्ट दिया, मैंने कह ले आपके गिफ्ट आप देख ले। सो दिस इज ट्रू लव। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखे ये जोक्स और ये इस तरह की चीजें कितना मतलब अच्छा माशाल्लाह लगता होगा। अगेन मैं ऑडियंस से दुआ करूंगा, दुआ करें अल्लाह नजर बद से हर शर से महफूज रखे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम रवि, के शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है? नहीं, वैसे अगर हम देखें, मुझे मेरा एक दोस्त कहता था कि यार शादीशुदा जोड़े चेहरे से पहचाने जाते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैंने कहा कैसे? ही सेड कि शादीशुदा जोड़े हमेशा खामोश होंगे, ड्राई होंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, रुखे हुए उनके चेहरे होंगे, मुंह बना होगा, और जो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो कहके लगा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। लेकिन खैर, इसको मैंने काउंटर भी किया, मैंने कहा यार इतने तुम चिंगची पे, मैंने एक जोड़े को बैठे देखा और वो चिंगची जो है ना, वो टूटी हुई रोड थी, उस पर चिंगची जरा वो जंपे मार रही थी, बड़ा वो एक सीन बन रहा था, दोनों कहके लगा रहे थे, देवर हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे भी गोद में बिठाए थे। मैंने उनके लिए दुआ की कि यार माशाल्लाह लुक एट दिस, कि हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स, हैप्पीनेस इज इन मोमेंट्स। वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, और ये एग्जांपल उसकी ठीक है कि चेहरे मुरझा जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, आपस में बातें नहीं करते? नॉट एट ऑल। एक्चुअली इट रियली डिपेंड्स के हाउ यू डील विद योर स्पाउस, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जिस तरह अमीन ने कहा ना, यू आर ग्रोइंग विद पेस विद पेस, और आप इकट्ठे ग्रो हो रहे हो, तो आई रियली फील के अगर आपकी लेट मैरिज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी लेट मैरिज है, सो यू माइट बी हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, ठीक है, बचा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब बचा है तो सिर्फ मटेरियल स्टफ, बट यू आर गिविंग मी व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। लेकिन जब व्हेन यू आर गेटिंग अर्ली एज में आपकी शादी होती है, सो फॉर यू एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज एडवेंचरस। लेकिन जब आपने सारे एडवेंचरस सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं, तो एवरीथिंग इज बोर फॉर यू आफ्टर मैरिज, बिकॉज आपको हैबिट है, यू नीड टू वॉन्ट, यू वॉन्ट समथिंग न्यू,
जिस तरह आपने कहा ना कि आपका दोस्त सिलेक्शन करता है सीढ़ियां उतरते हुए, तो आपने जब वो शादी करेगा तो उसके लिए तो डेली बेसिस की सिलेक्शन थी, तो उसने पूरी लाइफ के लिए सिलेक्शन की, उसके लिए बोरिंग है, बिल्कुल ठीक, उसके लिए वो डिजास्टर्स है, तो फिर तो वो बोर ही होगा ना, उसको मूवी बना होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इन्होंने मेंशन किया कि अगर तो आप वो प्रायोरिटी आपकी वो है कि बाहर मुंह मारना, तो फिर तो जाहिर है कि शादी में कुछ नहीं रखा, फिर तो वही मुरझाए हुए चेहरे। लेकिन मुरझाए हुए चेहरों की और भी बड़ी रीजंस होती हैं। देखिए जब शैतान बड़ा इन्वॉल्व होता है हलाल रिलेशन में, लड़ाई झगड़े, कंप्लेनिंग, ओवर कंप्लेनिंग करना, हर वक्त जो है ना वो एक नेगेटिव माहौल बनाना, तो फिर ये होता है कि शोहर बात करना ही छोड़ देता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वाइफ्स ये रियलाइज करें कि हर वक्त कंप्लेन नहीं करनी, ठीक है ना, शोहर को जरा इजी टाइम भी देना है, रिलैक्स करना है, देर इज सो मच ऑन हिज माइंड, ही इज वर्किंग एंड ही इज यू नो डूइंग जॉब एंड स्टफ लाइक दैट। ऑन दी अदर हैंड शोहर भी औरत पे इतना ज्यादा बोझ डाल दे कि हर चीज तुमने खुद करनी है, वो इंडक्ट ही ना कराए अपनी फैमिली में वाइफ को, बिकॉज ही इज द कवाम। जैसे एक नन्ना सा बीज होता है उसको वाटर देने वाला गार्डनर होता है, वो पौधे को बड़ा करता है, तो आई थिंक कवाम का यही रोल है कि वो औरत को ग्रो कराए, अपनी फैमिली में भी ओवरऑल भी एम्पावर करे। तो डू यू थिंक कि ये हमारी सोसाइटी में नहीं होता, इसलिए ये मीम बनी है जी कि शादी के बाद तो जो है वो प्यार वैसे ही खत्म हो जाता है। To be honest, I'm just going to start by saying I think the best role model is our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The way he treated his wives, you know, helping around, you know, laughing at the same time. I think that's a perfect role model. There's nothing better than to the point and very comprehensive. Dekhen again, main wohi keh raha hu, shaadi kara le bhaiyo, aapki zubaan mein comprehensiveness aa jayegi, wisdom aa jayega, mashallah, kya baat hai ji. Next meme, jab main chhota tha तब सब छेड़ते थे तेरी शादी करवा देते, लेकिन अब वो बड़ा सैड सा मुंह बना के लड़का बैठा कह रहा है अब तो कोई ऐसा मजाक भी नहीं करता, यानी वो दिल ही हार गया कि पहले तो ये सब कहते थे तेरी शादी करा देंगे, तो अब ऐसा मजाक करें तो मैं कहूँ कि हाँ हाँ जल्दी करा दें। तो डू यू थिंक कि शादी इज समथिंग एक्साइटिंग, और ये जो मीम बनी है कि यार मेरी भी कोई शादी की बात करे, आजकल तो लोग डरने लग गए शादी से, लड़के और लड़कियां दोनों, पर्टिकुलरली लड़कियां डरने लग गई हैं। सेम द केस कि सोसाइटी ऐसी है ना, देखें जब आपकी एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक लड़का एक लड़की को टच करता है या लड़की लड़के को टच करती है, तो उसके लिए इसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने ये लेसन लर्न किया कि ये जो बॉय है या जो मेल है वो होती ऐसे हैं, तो आई शुड मतलब कि फियर उसके उसके दिमाग में एक उसकी मेंटल स्टेट ये है कि जब मर्द उसकी जिंदगी में आएगा तो वो मर्द नहीं है, वो उसके लिए खौफ है। सेम इज द केस विद अगर कोई लड़की टच करवाती है तो लड़का ये सोचेगा कि दिस इज नॉट अ गर्ल, इट्स अ स्कैम, ठीक है, तो इस वजह से खौफ है। और दूसरी बात यह कि आजकल ट्रेंड इतना ज्यादा है शादी से पहले रिलेशनशिप का कि हर लड़का या लड़की समझता है कि ये ऑलरेडी पहले दे माइट बी दे वुड बी हैविंग सम रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, इनसिक्योरिटी है। तो लेकिन मजे की बात यह कि हर की चाहती है कि उसका जो आने वाला शौहर हो वो बिल्कुल लाइक उसको कभी किसी को रिलेशनशिप ना हो, और हर लड़का भी यही चाहता है। लेकिन before marriage it's really sad ke they are so overwhelmed to have a relationship before marriage and without any responsibility, bilkul theek bilkul, jab wo responsibility nahi uthate hain to phir finally females aur males yehi samajhte hain ke shaadi ke baad jis tarah aapne kaha jo pichli meme thi ki maine shaadi ke baad kaun sa pyar hota hai, shaadi ke baad kaun padhta hai, exams ke baad kaun padhta hai, to relationship mein bhi jab hote hain shaadi se pehle, तो जब वो भी कुछ अचीव कर लेते हैं अपना एक नेस्टी जो उनके टारगेट्स होते हैं, तो उसके बाद वही कहते हैं कि अब कौन सा एग्जाम है, अब आपके नए एंट्री टेस्ट हैं। या बिल्कुल दैट्स अ सैड रियलिटी। अच्छा आई मीन व्हाई शुड द यूथ बी एक्साइटेड अबाउट मैरिज, गिव अस सम पॉइंटर्स, व्हाई शुड यू बी एक्साइटेड फॉर मैरिज, व्हाई, क्या शादी को बहुत एक्साइटिंग चीज है, शुड वी शुड वन बी इवन एक्साइटेड अबाउट मैरिज? I mean, who wouldn't, you know, like, want to get married? Like, who doesn't want to love and be loved? And who doesn't want to care for someone and be cared for? Cute. Amazing. You know? Yeah. So, there's a lot of pros to it. But yeah, I mean, it's exciting. Chale, ek reason aapne ki ke, to love and be loved. Aur kya perks hain? Shaadi kyun karni chahiye? Why is it something exciting, in your opinion? Um...
Obviously, Allah subhanahu wa ta'ala is always with you, but you know, you have this feeling that, you know, for example, you're not alone. You know, you've always got your, at the end of the day, jab aap wapas kar jaoge ya jab aap kuch karoge, your wife's there for you. Matlab aap ke saath rahegi. So that's a alone point as well. Yeah, exactly. Lekin kuch log shikayat karte hain ki yaar, main kabhi bhi alone nahi hota. Wo kehte hain, hum ek bachelor room banaye, But do you think कि थोड़ा सा स्पेस भी बंदे को चाहिए होती है? I think कि जिस तरह एक मेल की साइकी है या एक ह्यूमन बीइंग की साइकी है, sometimes उसको एक स्पेस चाहिए होती है. ठीक है, it's about that how you understand your spouse. अगर आपने वुमेन साइकोलॉजी या मेल साइकोलॉजी पढ़ी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि औरत को क्या चाहिए और मर्द को क्या चाहिए. तो एग्जैक्टली दोनों को कोई ना कोई स्पेस चाहिए. एंड everyone have something to do. उसको कुछ अलग करना है कुछ जिंदगी में. जिस तरह if I'm a student, I was doing my MPhil, तो मुझे पढ़ाई करनी है and I need that space. And my wife, alhamdulillah, she understood. And she like helped me a lot on this. चलें कवारों को थोड़ा सा जलाते हैं हम. Okay. कवारों को जलाने के लिए सवाल है कि what is so exciting in marriage? Why should one get married at a very I would say कि देखें जब आप किसी opposite gender एक्साइटिंग तो होते हैं ना. लाइक अगर आप शादी नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक देखें इट्स अ वेरी वेरी यू कैन से सोशल एक्सपेरिमेंट है कि अगर एक फीमेल लड़कों के कमरे में आ जाती है तो 95 तो एक्साइटेड होते हैं. और दे चेंज देयर बिहेवियर, दे चेंज देयर टोन, दे चेंज देयर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, इट्स मीन कि कुछ तो एक्साइटमेंट है ना, कुछ तो नया है. तो व्हाट इफ के आपको एक इंसान मिल रहा है, ठीक है ना, और वो इस तरह का मिल रहा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना, और वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं. इट इज नॉट अबाउट कि उसने एक महीने के लिए आपको सपोर्ट किया, चिल किया, जिस तरह आपके दोस्त भी होते हैं, दे चिल विद यू और सम टाइम देखा यार अभी आज नहीं यार कल मिलेंगे. ठीक है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, कल मिलेंगे. या आपका दोस्त कहता है यार चलो फिर इधर मैंने नहीं जाना. लाइक दिस इज अ रिलेशनशिप दैट यू आर प्रॉमिसिंग टू वॉक ऑन अ पाथ इन एवरी पाथ, चाहे उस पाथ वो डिफिकल्ट है चाहे वो ईजी है. यू आर प्रॉमिसिंग दिस इज अ रिलेशनशिप दैट यू कैन हैव आफ्टर मैरिज. So this is exciting and it's adventurous as well. I mean, do you cook with your wife together some days? Do you enjoy, you know, this activity? Kabhi cooking wise. Yeah, matlab aap decide karenge chale aaj roast chicken roast pakate hain ya aaj jo hai wo jo kya kehte hain usse lasagna ya pasta something like that. Yep, I you know I don't really know how to cook, like, and I do fry things and stuff. And chamchi to hila easy, yeah, of course. Easy stuff. Chale, this is your part. Stuff like that. Or I think just last week, humne, you know, YouTube pe video dekha how to make pancakes. Amazing. Wow, Akbar. Sara ye bhaiyon, kawaron, sun lo. Ye hai exciting cheeze. Exactly. Videos dekhna ikatte. Or you know, how to cook. We watched how to make pancakes. I asked my mom, you know, recipe ye wo. Raat ko bhook lagi hui thi, so we just made pancakes. Mashallah, barakallah, barakallah. So next meme is ke me to my friend ke bhai password change kar le. To friend kyun? To me, kyunki bhai teri shaadi ho rahi hai. To ye iske piche bhi ek bada wo ironic concept hai ke password change kar le se murad ye hai ke bhaiya kahin teri biwi ko ye na pata lag jaye teri to aur bhi badi girlfriends hain. Aur tu ye to messenger pe bade messages aate hain, tu ye to WhatsApp pe bade messages aate hain. तो देखें कितनी बदगुमानी फैलने के चांस है कि अगर किसी के रिलेशंस हैं पहले या कोई फ्रेंड्स हैं. आजकल यूथ कहती है ना कि गर्लफ्रेंड मतलब कि लड़का लड़की के फ्रेंडशिप में क्या मसला है, तो क्या वो चाहेंगे कि उनकी वाइफ के फ्रेंड्स हों शादी के बाद, जो घर भी आए और बात भी करें या मोबाइल पर बात करें और वो घंटा घंटा अपने फ्रेंड्स से बात कर रही हैं, या लड़की चाहेगी कि लड़के की फ्रेंड्स हों फीमेल फ्रेंड्स हों. मतलब ये फुलिश बातें सिली बातें हैं, थिंक इन अ बिगर पर्सपेक्टिव के शादी के बाद. बट ये मीम एक बड़ा वो अलमिया बयान कर रही है कि हमारे यंगस्टर्स के रिलेशंस होते हैं शादी से पहले ऑब्वियसली, और फिर वो ये सोचते हैं कि यार अब मैं पासवर्ड ना बताऊं बीवी को कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं. तो व्हाट डू एनी कमेंट अबाउट दिस थिंग? कमेंट तो यही है कि यू नो there's nothing you should be fully open to your wife. There's nothing to hide. Allah, you know, she's your wife, she's going to be understanding, although you know what's done in the past. Yani aap bhi kehne sare password share kar le wife. no as in it's just, you know, to be totally transparent, honest. There's no need to you know change your password. Ye kya baat hai, nothing like that. Kamal ji, Ravi, aap is pe kuch comment? Same, I think the relationship, but this is like most private and most open as well.
Trust is the main thing. और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं ना कि रिश्ते जब आप निभाते हैं तो आप उनको परख नहीं सकते, लाइक किस लेवल पे आप परखेंगे. ऑब्वियसली शैतान इज देयर. अगर आप थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करते हैं तो शैतान तो आपको फुल एक स्पेस देगा, वो आपको पूरी पिच देगा खेलने के लिए कि भाई वाकई में मसला है. एंड आई एग्री विद अमीन के यू शुड बी ओपन रिलैक्स. और दूसरी बात ये कि देखें, व्हेन यू आर पुटिंग ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुभाना व तआला और इफ यू हैड समथिंग तो डू तौबा. Fear Allah and do tawbah next time. सीधी सी बात है. देखें, अगर आप तौबा नहीं कर रहे हो and you are doing that thing, then eventually you will be exposed. बिल्कुल ठीक. Main thing is trust. कि देखें ना, अल्लाह ताला ने मियां बीवी को कहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे का लिबास है. जब आपका ट्रस्ट अपने स्पाउस पे इतने ज्यादा है तो आप उसके सामने मोबाइल भी यूज करोगे, पासवर्ड भी पता लग गया, सो व्हाट, देयर इज नथिंग टू हाइड, यू नो. और इफ देयर इज समथिंग टू हाइड देन यू शुड रिपेंट, जैसे आपने कहा, और वो उसको खत्म करो ताकि कोई बदगुमानी फैलने का जो है वो चांस ना हो, अल्लाह माफ करे. आई वांट टू से समथिंग, लाइक जिस तरह आपने एक बात की ना कि बॉयज समझते हैं कि उनका कोई रिलेशनशिप हो, वो ये चाहेंगे कि आई फील कि एक लड़का आजकल का उसके पास मोबाइल है, ही इज नॉट विलिंग टू शेयर हिज मोबाइल फोन विद हिज फ्रेंड्स. कोई इंसान गाड़ी खरीदता बड़ा पजेसिव होता है कि यार ये मेरी गाड़ी है, यार शी इज योर वाइफ. And how could you imagine that? आप अपनी गाड़ी के लिए इतने possessive हो, आप अपनी फोन के लिए इतने possessive हो, which is material thing यार, कभी भी खराब हो सकती है. And this she is your wife, she is your spouse, and you're doing that. मुझे एक सहाबी सलफ का वाकया याद आ गया यार, क्या अमेजिंग वाकया है कि एक सलफ घर में एंटर हुए तो उनकी वाइफ ने उनका हाथ पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया, छोड़े ही ना. कहती कि हाउ मेनी वुमेन डिड यू सी. उन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी, आई डिडंट. नहीं नहीं बताएं हाउ मेनी वुमेन. उन्होंने कहा कि आई स्वियर बाय अल्लाह मैंने एक को भी नहीं देखा, एंड देन शी वाज हैप्पी. यानी यू नो दिस इज द, ये क्यूट एक बड़ा वाक्य, इट्स गुड टू बी पोजेसिव, यू नो, बट इतना नहीं कि ऐसा ना लगे कि यार मुझ पे बहुत ओवर पोजेसिव ना हो, लेकिन इतना हो कि यार अगले को फील हो. इनफैक्ट यू शुड बी पोजेसिव अबाउट योर वाइफ, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा. और जहां तक बात है तारीफ करने की, तो अमीन सुना है कि झूठ भी बोल सकते हैं बीवी की तारीफ करने के लिए, ये तो हदीस में भी आता है. तो क्या आप तारीफ माशाल्लाह करते रहते हैं और सच्ची तारीफ होती है? सच्ची तारीफ, अल्लाह हू अकबर. अभी वो शायद लाइव देखे हुए तो मैं कह दूंगा हां सच्ची तारीफ, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर. नहीं, मजाक के अलावा यस, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तारीफ. I've heard of that. I think it's very necessary. तारीफ करना, ये तो वैसे भी माशाल्लाह जो फीमेल्स की ना एक नेचर में है कि दे बी अप्रिशिएटेड, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. और उससे जाहिर है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, एंड एक्चुअली रिलेशनशिप गेट्स बेटर एंड इंक्रीसेस द लव बिटवीन यू टू. एग्जैक्टली. तो रवि, झूठी तारीफ जो है ये, इससे क्या मुराद है झूठी तारीफ से? हदीस में आता है कि तीन जो है ना वो झूठ बोले जा सकते हैं. I really think कि अल्लाह सुभाना व ताला को ये जो रिलेशन है इतना पसंद है कि अल्लाह सुभाना व ताला एक जगह कुरान में कह रहे हैं कि झूठों पे लानत है, और उसी चीज को हलाल करें जस्ट ऑन दिस केस. हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कि अल्लाह सुभाना व ताला उसको सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा इस चीज के पीछे पड़ा होता है. ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट हदीस के शैतान के जब वो पूरा एक बिछाता है, पूछता है अपने चेलों से कि क्या क्या किया, और जब एक शैतान कहता है कि मैंने आज लड़ाई डलवाई मियां बीवी में, उसको शाबाश मिलती है, उसको बड़ा जो है ना वो एप्रिसिएशन मिलती है. तो अल्लाह सुभाना व तआला ने उसको सिक्योर करने के लिए झूठ भी बोलो, जस्ट टू सिक्योर योर रिलेशनशिप. इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए इजाजत है वो करने की, बट दैट डजंट मीन कि हम हर वक्त ही झूठी तारीफ असल ही होनी चाहिए. इंपॉर्टेंस पावर कराने के लिए कि ये झूठ भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन तारीफ करो. अच्छा, एक बड़ा हमें सवाल आता है यंगस्टर्स का कि somehow many youngsters are not able to digest, they can't believe कि यार मैं ऐसी औरत से या ऐसे मर्द से शादी कर लूं जिससे कभी मैं मिला ही नहीं या मिली नहीं, और हमसे सवाल पूछते हैं कि यार ये क्या हम शादी से पहले डेटिंग ही नहीं कर सकते, हम शादी से पहले बात भी नहीं कर सकते, तो हमें पता कैसे लगेगा कि अगला जो है वो हमारे साथ कैसा चलेगा? आई कैन कोट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. मैं सबको बता रहा हूँ कि 100 क्या 1000 एग्जांपल शायद मेरे सामने होंगी जिन्होंने शादी से पहले अपने स्पाउस से बात नहीं की, और देखा भी नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है, और उनकी शादी बहुत अच्छी जा रही है. यूथ ये अंडरस्टैंड ही नहीं करती कि बरकत डालने वाली जात अल्लाह की. आप हर चीज अपने अंडर लेना चाहते हैं, आप हर चीज खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अल्लाह, आप क्या चाहते हैं कि शादी से पहले ही हर चीज पता लग जाए?
भाई एक ट्रस्ट भी होता है अल्लाह ताला की जात पे, इस्तखारा आपने किया, दैट्स द मेन थिंग, नथिंग एल्स होल्ड स्टफ, एग्जैक्टली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैरिज, यू नो, अरेंज मैरिजेस, कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे कि मेरे लिए फैसला अल्लाह इसमें बरकत डाल दे. एक तो ये वो सवाल करते हैं, दूसरा सवाल वही करते हैं कि क्या मतलब मैं देखूं भी ना, तो आई मीन did you see your wife before marriage? Obviously इजाजत तो है, तो आपके पेरेंट्स ने सेटिंग कराई थी, मतलब एक मीटिंग हुई थी. मैंने खुद ही यू नो पेरेंट्स को बताया था कि यू नो यू नो व्हेन द फैमिलीज डू मीट, मैं देखना चाहता हूं, थोड़े से बातें भी करना चाहता हूं, जस्ट टू गेट टू नो हर. Obviously इन अ हलाल एंड रिस्पेक्टफुल वे, माशाल्लाह इजाजत दी, बिकॉज़ दीन में इसकी इजाजत है बात करना भी, लेकिन महरम को सामने. एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. सो इन अ हलाल वे, यू नो, conversation कर लो, देख लो, लेकिन you know, make sure you keep it halal. You keep it halal. Very important, because it's going to define everything. Exactly. अच्छा, next meme हमारे पास है कि शादी के कार्ड में नया change, यानी एक सेंटेंस लिखा करें शादी के कार्ड में, ये कि लिफाफे में कड़क नोट लेकर आए. तो ये जो सलामी का कॉन्सेप्ट है, I mean, आपको सलामी मिली थी? सलामी का पता है इसके हाथ में इन्हें मिली नहीं, बात सलामी का तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है. मैंने आपसे पूछा कि शादी की वन ऑफ द एक्साइटमेंट्स लोग कहेंगे जी सलामी, सलामी होता है कि कुछ लोग आपको ना पैसे देते हैं लफाफे में, उसमें एनवेलप में पकड़ाते हैं, नीचे से पकड़ाते हैं, आप जेब में रखते हैं. अच्छा. आर यू फील के नाउ मेरा पैसा वापस आ रहा है, जो मैंने 30 लाख लगाए हैं वो वापस आ रहे. तो सलामी आपको मिली थी? यस यस, लेकिन मैं इस तरह की मुझे बहुत शर्म आती है, you know, I was very hesitant. You know, I'll take it, it is what it is. लेकिन बहुत शर्म के साथ, you know, like, अच्छा ठीक है, thank you, you know, रख के. लेकिन हाँ, मिली थी आपको. रवि, आपको भी मिली थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो सलामी आपके नजदीक जो है ये ठीक है? आई डोंट थिंक सो. एक्चुअली बरे सगीर के अंदर या कुछ ऐसे ये बहुत एक समझ लें कि इतना एक फॉल्स ट्रेंड है मेरे ख्याल से कि आप एक बंदे पे बटन डाल देते हैं. नॉर्मली कुछ ऐसी शादियां होती हैं गांव के अंदर या अभी भी शायद लाहौर में भी होती होंगी कि बकायदा नाम लिखे जाते हैं कि इसने इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, और जब उनकी शादी होगी तो हम भी उनको इतने पैसे देंगे. बिकॉज नॉर्मली इट्स अ ट्रेंड, गिव एंड टेक, बिकॉज अल्लाह सुभाना व तआला के लिए तो किया ही नहीं ना, दे आर नॉट अप्लाइंग द सिला रहमी इन इन दैट रिलेशनशिप. दे आर सेइंग कि अभी हमारा कितना बजट है, आप इतना दे रहे हैं, एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग. तो प्रॉब्लम ये बर्डन है, लिटरली ये बर्डन, ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखेंगे एक बंदे के वो सिचुएशन या फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है, अब उसको शादी पे जाना है. कुछ लोग शादी पे इसलिए नहीं जाते कि हम क्या देंगे, अल्लाह अकबर, लाइक वो सिला रहमी को पीछे रख देते हैं, पैसों को आगे रखते हैं, पैसे नहीं है. जज यू एट दिस कि यार ये मेरी शादी पे आया, कुछ लेकर नहीं आया. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लफाफा ही नहीं मुझे पकड़ा है, कोई गिफ्ट नहीं मुझे दिया, तो ये शादी पे करने क्या आ गया. और अली भाई, अगर एक बंदे ने, एक बंदा पांच, एक आपकी शादी हुई लाइक 2005 में, ठीक है, एक बंदे की 2010 में शादी होगी और आप याद करते हैं, अच्छा उसने मुझे इतने पैसे दिए थे, अल्लाह, अच्छा मुझे इसको इतने पैसे देने, यू आर कैलकुलेटिंग, बिकॉज आप अल्लाह सुभान व तआला के लिए नहीं कर रहे. अगर अल्लाह सुभान व तआला करेंगे तो आप उसके लिए आसानी करेंगे, आप उसको पैसे दोगे क्योंकि उसकी शादी है, उसको पैसों की जरूरत हो सकती है. इस सेंस में सोचोगे तो आप कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ये सोच रख सकते. यानी कि मैं ऑडियंस को जरा क्लियर कर दूं कि सलामी देने में एज सच कोई हराम वो नहीं है एलिमेंट, लेकिन ये है कि जब आप इसको इतना जबरदस्त ट्रेंड बना लोगे कि लोगों पे बोझ आने लगे, आप ये सोचोगे यार उसने मुझे 500 रुपया दिया, ये क्या सलामी, आप उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दो. हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वलीमे पे खाना खिलाओ लोगों. अब यहाँ होता क्या है कि हम उन्हीं को बुलाते हैं, रियली हम गेस्ट लिस्ट ये देख के बनाते हैं कि सलामी कौन ज्यादा देगा, जो सलामी ज्यादा देगा उसको टॉप पे डालो, वो हमारा मेन गेस्ट है, और जो सलामी नहीं देंगे उनको जरा नीचे डालो, अगर सीटें बची तो हम उन्हें बुला लेंगे. तो दिस इस्लाम गलत ट्रेंड्स के खिलाफ, इस्लाम जो है ना उसमें हर चीज हराम होती है किसी वजह से. खैर सलामी हराम नहीं है, लेकिन इट कैन बिकम अ वेरी यू नो डेंजरस काइंड ऑफ अ ट्रेंड. जी अच्छा, एक चीज जितना सलामी जितना हराम है, उसमें एक चीज और भी वलीमे में है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने गुरबा को ऐड करें, लाइक आपकी उसका पार्ट होना चाहिए वलीमे का ना, लोग ये नहीं करते. अच्छा, इसमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. कुछ लोग लाइक फेसबुक में हमने देखा, एक्सपीरियंस किया कि कुछ कपल ने शादी की और उन्होंने सिर्फ गुरबा में ही तकसीम किया. व्हाट अबाउट योर फैमिली, वेयर इज योर सिला रहमी? बहुत ज्यादा हदीस है सिला रहमी पे, देयर शुड बी बैलेंस. तो आप उनको भी बुलाएं और उनको भी बुलाएं, दोनों का ख्याल करें. मतलब हम एक्सट्रीम बिहेवियर शो करते हैं कि नहीं करना तो पूरा का पूरा गुरबा पे जा रहा है. मैं इस पे ना एक बात करता हूँ, आप दोनों को बताता हूँ कि देखें, मैं हमेशा अपनी फैमिली वालों को ये समझाता हूँ, फैमिली से मुराद एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी शादियाँ हो रही हैं, कि यार आप लोग जो करोगे ना, आपको आपके यंग कजन्स देख रहे हैं, यू आर गोइंग टू सेट अ ट्रेंड फॉर देम, यू आर गोइंग टू सेट अ ट्रेंड फॉर जनरेशन. आप जो है जरूरत से ज़्यादा खर्चा करोगे,
आपको बहुत ही हाई फाई स्टेज सजा लोगे, कोई हर्ज नहीं है स्टेज सजाने में, अच्छी बात है खूबसूरत बनाए स्टेज का मौका है, लेकिन इतने पैसे आप लगा दोगे, फिर आप नाच गाना करोगे वहां पे, अल्लाह रसूल को नाराज करोगे ऐसी चीजें करके, ठीक है, फिर आप वहां पर ऐसी ड्रेसिंग में आओगे, यानी जाहिर है इंटरमिक्सिंग होगी, फिर ड्रेसिंग जो है वो एक तो है ना कि औरतें औरतों में बैठे वहां तो चले मेकअप करके ड्रेसिंग एक फैशनेबल ड्रेसिंग करके वो एक अलग बात है, लेकिन जब इंटरमिक्सिंग हो रही है, यू आर सेटिंग सच अ रॉन्ग ट्रेंड फॉर दैट दोज लिटिल चिल्ड्रन जो आपके साथ बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, कल को पेरेंट्स पे जो है ना बहुत प्रेशर डालेंगे कि मेरे कजन की तो ऐसी हुई थी, उसने तो इतने महंगा लहंगा बनाया था, उसने तो जो है वो स्टेज ऐसे सेट किया था, उसने तो जो है ये मेन्यू रखवाया था, उसने तो जो है वो इस तरह से किया था, मैंने भी ये करना है, मैंने भी इस तरह वॉक करके यानी पटाखे फटवाने, मतलब ठीक है एक हद तक मैं इसके खिलाफ नहीं हूं इतना, क्योंकि जाहिर है कि खुशी का मौका है, देयर कैन बी मैनी थिंग्स डन, बट वही अमीन आपके वाली बात की है, डोंट ओवर डू इट, यू आर सेटिंग अ ट्रेंड, भाई आपके छोटे कजन आपको देख रहे हैं, कल को वो पेरेंट्स पे प्रेशर डालेंगे कैसे शादी होगी, पेरेंट्स जो है वो परेशान होंगे कि यार ये तो 50 लाख की डिमांड कर रहा है शादी करने के लिए, मैं कहां से 50 लाख ले आऊं, इसीलिए तो वो कहते हैं कि पहले फिर कमाओ, अगर इतनी हाई फाई शादी करनी तो जाओ फिर कमाओ भी, तो अर्ली निकास कैसे होंगे जब बच्चे भी प्रेशर डाल रहे हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो दोनों तरफ जो है वो गलती है। सो मूविंग ऑन, एक और मीम यहां पर आई है कि अच्छा ये बड़ी आयरोनिक एक बात है, 21 तोपों की सलामी उन लड़कियों के लिए जिन्हें लगता है कि उनका बीएफ उनसे शादी करेगा, उनका बीएफ उनसे शादी करेगा, 21 तोपों की सलामी उन लड़कियों के लिए, आपको मेरा ख्याल थोड़ी समझ नहीं आ रही है, let me translate it, the meme is trying to say कि उन लड़कियों को, उन girls को salute करना चाहिए who think that their boyfriends are going to marry them, यानी in a taunting way, sarcastic. So what do you think कि इस पे आप कुछ comment करना चाहेंगे? जी रवि, I think कि जिस तरह जो मेरा experience, I would talk about my experience, I'm not giving my opinion actually. My experience is this ke what I see in my university because I studied to 4-5 saal ka jo arsa guzra university ke andar usme yahi tha ki I didn't see anyone ke koi kisi ki shaadi hui maine nahi dekha acha aapne nahi dekha I found so much like maine bahut breakups dekhe theek hai breakups ke baad counselings bhi ki theek hai shayad breakups karwaye bhi usme to aise hi mashhoor hai breakup karan balki wo toha bhai ko recently ek indian कमेंट भी आया कि तोहा ने उनका ब्रेकअप करा दिया तो बड़ा गुस्सा था तोहा पे, तो यस ब्रेकअप कराने में तो वाईसी माहिर। कैन ही शेयर सम लाइक स्टोरी? जरूर जरूर। कैन ही से द स्टोरी एक्चुअली? मतलब इतना वर्स, लाइक दिस इज फॉर सिस्टर और फॉर ब्रदर्स, कोई भी इसको ले सकता है, ठीक है। एक ऐसा केस मेरी नजर के सामने आया कि एक मतलब एक सिस्टर थॉट के मेरे से बहुत प्यार करता है, ठीक है, जिस तरह बॉयज करते हैं, ठीक है, लाइक स्टड्स, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनका फील आया कि ये मुझे अच्छा लगता है, उन सिस्टर ने उस लड़के के लिए जॉब की, ठीक है, पी टीचर की जॉब की, ठीक है, खाली इस वजह से कि चलो तुम कुछ घर बना लो, ठीक है, और फिर तुम कुछ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, कुछ कमरा बना लो, फिर हम शादी कर लेंगे। उस लड़के ने सब कुछ उनसे पैसे लिए और उसके बाद उनको डच कर दिया, ठीक है, और उस लड़के ने उन सिस्टर को उनके फादर के सामने भी जलील किया। तो ये आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप ये देखें कि अगर वो लड़का आपके फादर से बात नहीं कर सकता, वो आपके भाई से जाके बात नहीं कर सकता, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इट्स अ क्लियर साइन। आप ये बात याद रखें कि अगर आपको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, अगर आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं और लड़कों को भी सिर्फ ब्यूटी मिल रही है, तो एवरीथिंग फेड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ने खत्म होना ही होना है, ठीक है, ब्यूटी ने खत्म होना ही होना है, रहेगा क्या, उसकी सीरत रहेगी, ठीक है, जो चीज उसके अंदर है, अगर आप ये चीजें देख रहे हैं, अगर नॉर्मली ये देखी जाती है यूनिवर्सिटीज में, ये देखा जाता है, तो बॉयज आपको बहुत ज्यादा टच करेंगे। और सेम केस मैं यहाँ पे एक चीज और भी आप दोनों को बताऊं कि देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जीएफ एंड समवन यू लाइक। या एग्जैक्टली, यू कैन लाइक समवन बट डोंट कॉल हर अ जीएफ, बिकॉज़ जीएफ एक वेस्टर्न कांसेप्ट है। जीएफ का मतलब ये है कि जो मेरे साथ हैंग आउट करे, सिनेमा जाए, मेरे साथ यू नो एक मौज मस्ती करे, और मैं उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करूं, वो मेरे से करे। आप किसी को पसंद करें, हाँ, उससे शादी ख्वाहिश जाहिर करें, और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देयर इज नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जीएफ ओवर हियर, कि व्हेन
ये भी मैं आपको बताऊं एक बात, आप दोनों मुझसे एग्री करेंगे कि लड़कों की मेंटालिटी जितनी मैंने चेक की है कि जीएफ के लिए तो उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो बड़ी ना वो मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न और बड़ी वो ड्रेसिंग ऐसी वैसी करती हो, बट नॉट टू जज एनीवन बट यू नो व्हाट आई मीन ड्रेसिंग से, यानी कि मॉडर्न सी ड्रेसिंग हो, बट वाइफ के लिए उन्हें शरीफ खातून चाहिए। ये लड़कों की मेंटालिटी है कि नहीं है? एग्जैक्टली है, और ये एक बड़ा अलमिया है हमारा कि इससे हमारी सिस्टर्स को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि दे शुड नॉट यू नो कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर डिग्निटी, दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर शराफत और हया। सब में हया है हमारे, मैंने जैसे कहा ना पाकिस्तानी औरत मेरे नज़दीक माशाल्लाह ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है व्हेन इट कम्स टू हया स्टिल। एग्जैक्टली, बट पता नहीं शायद पीयर प्रेशर में या उस फ्लो में डूब जाते हैं हम। जैसे अभी रिसेंटली ये फूल दिया उसने लड़के ने, फिर यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, दोनों को मैंने मैसेज दिया कि चलो तुम शादी करना चाहते हो अल्लाह तुम्हारी शादियां कराए, लेकिन इनको देख के कोई और बंदा ये वीडियो बनाता है लड़का लड़की, खुदा ना खास्ता उनकी शादी नहीं होती है और ये वीडियो वायरल हो जाती है, तो कल को जिससे उसकी शादी होगी लड़की की, तो वो उसके मियां ने वीडियो वायरल होती देख ली, हू नोस कि तुम्हारी शादी किससे होगी। तो फिर इन खराफात से तो बचना चाहिए ना। तो जीएफ का कॉन्सेप्ट इज समथिंग एल्स, बट यू कैन डेफिनेटली लाइक समवन एंड लाइक टॉक टू पेरेंट्स, देयर इज नो हार्म इन लाइकिंग समवन, देयर इज नो हार्म इन इट, बट व्हाट यू डू विद दैट लाइकिंग समवन, just okay what you're going to do with liking someone, that's up to you. Yeah, you have to make that right. Are you going to do right with that liking, or you're going to do wrong? Absolutely. Problem is this, that you should not prolong that thing. aapko cheez aapko pasand aa gaya, like aapko koi ladki pasand aa gayi hai, to usko prolong na kare na. aap unke jo unke guardians hain unse baat kare. agar aap prolong kare, nahi, let's graduate together, let's have semester one, let's study together, let's have some projects, like do internship together, like blah 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 blah. The point is this, agar aap responsible ho, if you have so courage, agar aap waqi mard ho, so do and go talk with her father or with your brother. Excellent. Otherwise, say no. Last meme hai ji, when I want to marry a guy who is from other caste, leave parents to me. ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना है, ये गाना है शायद उसको कोट किया है उन्होंने। तो आई मीन ये भी एक अलमिया है हमारी सोसाइटी में कि कास्ट बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि नहीं जी कास्ट में करनी है। I've seen many from my experiences, I've seen many people who you know have got not destroyed because of this but failed because of this, because that's the only thing that the parents focus on, कि अच्छा एज कुछ हो रहा सारा कुछ कास्ट क्या है, सबसे पहले पूछते कास्ट क्या, और अगर कास्ट you know if it's different to be nay leave it. So this is wrong, you know, just focusing on caste, like it's totally wrong. Jaise Prophet sallallahu alaihi wasallam ne kaha ke aurat se char wajuhat ki aise shaadi ki ja sakti hai, hasb o nasb, beauty, background aapka, financial background, and deen. So choose the one jo deendar hai. Yes, hum iska inkar nahi kare, caste does matter in some cases, क्योंकि देखे ना अल्लाह कहते हैं सूरह हुजरात में कि हमने आपको कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। अब सेम कास्ट में ही होता है, रवायतें सेम होती हैं, आपकी ट्रेडिशन सेम होती हैं, बहुत सी आदात सेम होती हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन ये इतना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप रिलीजियस लड़की को लड़के को दूर कर दो और आप कास्ट पे ही आ जाओ कि नहीं नहीं कास्ट कास्ट मेन फोकस नहीं बनाना, मेन फोकस नहीं बनाना। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक दीनदार लड़का अल्लाह से डरने वाला लड़का आता है तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता है तो तुम अपनी बेटी की उससे शादी करो, बिकॉज अगर तुम नहीं करोगे तो दुनिया में फितना फैलेगा। ये क्लियर सही हदीस है। तो बहरहाल बड़ी और भी सवालात थे, मीम्स कुछ और भी थी, बट टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और मैं इनफैक्ट मैंने आज ऑडियंस को कहा था कि मैं कुछ उनके भी सवालात लूँगा, सो लेट मी सी के कुछ सवालात जो है ऑडियंस के। तब तक अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, खुद से कोई एडवाइस देना चाहें आप दोनों यूथ को, स्पेशली योर एज ग्रुप, यू नो इट्स वेरी हार्ड टू गेट मैरिड इन योर एज, माशाल्लाह मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द शर एंड फितना एंड नज़रे बद। तो एनी एडवाइस टू द यूथ? द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह वाज यू नो माय पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे सपोर्टिव, I'm totally open with them, they're totally open with me, you know, alhamdulillah we have such a beautiful relationship, you know, we could talk about anything, so Alhamdulillah, being close to your parents is a main thing as well. Mashallah, mashallah, amazing. तो इनकी advice ये है कि अपने parents के साथ close रहें, अपने parents के तो against ना जाए ना, अपने parents के साथ ही relation खराब कर लेंगे तो फिर ये तो शैतान का सबसे बड़ा हरबा है। तो इनकी advice है कि be as close to the parents as you can. रबी आपकी कोई advice? तब तक मैं सवाल भी I will add on के be close and be open with your parents as well.
बट विद अल्लाह विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखें आपको, और दूसरी बात यह कि यू नीड टू मेक ऑब्जेक्टिव कि आप यू नीड टू मेक मेक योर सेल्फ रियलाइज कि आप सोचें कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं. ठीक है, और ये भी सोचें कि अगर आप शादी को डिले करेंगे तो उसके रिपरकशंस क्या हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. आई थिंक कि आपकी नीयत बहुत मैटर करती है. जिस तरह नीयत पे डिपेंड करता है, अगर आपकी नीयत अल्लाह के करीब होना है और अल्लाह को राजी करना है, ऑब्वियसली दिस लाइफ इज समथिंग दैट बीइंग अ मुस्लिम यू आर हियर टू प्लीज अल्लाह सुभान व तआला. और ऑब्वियसली प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शादी है ये आधा ईमान मुकम्मल करती है. और उसके बाद ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा आप नेक हो गए हो, आपको उस आधे से अल्लाह से डरना है. तो अगर आप डर रहे हो अल्लाह ताला के करीब ये रिश्ता आपको कर रहे हैं तो गो फॉर इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशनशिप बना ही कि अल्लाह सुभान व तआला के आप करीब हो जाए. अगर कोई रिलेशन आपको अल्लाह से दूर कर रहा है तो उस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल भी ऑफ ना करें. दिस इज माय एडवाइस. वेरी इंपॉर्टेंट माशा जी. यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक देयर इज अ सेइंग दैट हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स यू अवे फ्रॉम अल्लाह इज वर्स देन सैडनेस that sorry I forgot the saying actually aapko shayad hoga you know sadness that brings you towards Allah is better than happiness that takes you away from Allah. But amazing, I really love that. Yani ke thodi der ki sadness le lo, haram se dur ho jao, but it's better than being happy but away from Allah. Allahu Akbar, amazing. खैर टाइम भी ख़त्म हो रहा है तो इंशाल्लाह चले फिर कभी सवाल लेंगे, बट लास्ट में बस जाते जाते एक तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अमीन के लिए दुआ करें क्योंकि ही नीड्स आर दुआज माशाल्लाह, ही नीड्स आर सपोर्ट. और ये मदीना यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, इनके लिए दुआ करें माशाल्लाह. व्हाट अ यू नो मैं आई एम गेटिंग इमोशनल कि व्हाट अ प्रोडक्ट के माशाल्लाह यू नो वर्बल स्किल्स भी अल्लाह ताला बरकत डाले और वर्ल्डली एजुकेशन भी. फिर मदीना यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह जब ये डिग्री करके आएंगे दिस इज़ द काइंड ऑफ यूथ वी वॉन्ट माशाल्लाह. फर्स्टली मेक दुआ अल्लाह बरकत डालें, देन मेक दुआ फॉर हिज रिलेशनशिप अल्लाह नजरे बस से महफूज रखें, हर शर फितने से महफूज रखें, शैतान से दूर रखें इनको, और इनमें अल्लाह के लिए खालिस मोहब्बत डालें दोनों मियां बीवी में इंशाल्लाह. और रबीउल्लाह के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी हर शर फितने नजरे बस से महफूज रखें. और वो लोग मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उनका रिसेंटली निकाह हुआ, शादी हुई, उनके लिए भी दुआ करें. एक सिस्टर हैं जम्मू कश्मीर से, उनका रिसेंटली निकाह हुआ माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस हर और अल्लाह ताला बहुत बरकत डालें उनके रिश्ते में. अल्लाह ताला दोनों में एक दूसरे के लिए अल्लाह की खातिर मोहब्बत डालें, बिकॉज ये मोहब्बत है असल में जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो आपको हमेशा इट विल ब्रिंग यू बैक. इख्तलाफात होंगे, बोथ ऑफ यू विल एग्री विद मी, शादी जहाँ है मोहब्बत है, जाहिर है लड़ाइयाँ भी हैं वहाँ पे, इख्तलाफात भी हैं वहाँ पे, बट जाहिर है कि अगर हर चीज़ अल्लाह के लिए तो हर चीज़ में बरकत डल जाती है, मसले भी हल हो जाते हैं और यू ऑलवेज मेक अ कमबैक बिकॉज यू लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. अल्टीमेटली दैट्स द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक रिलेशन एंड हलाल रिलेशन. दैट्स आर मैसेज टू यू. सो वो लोग जो कमा रहे हैं, मैं आई कैन यू नो फील देयर पेन. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह ताला आपको भी जल्द इस बंधन में, शादी के बंधन में लेकर आए और अल्लाह आपको भी वो किला वो फोर्ट्रेस दें और आप भी शादी की लज्जतों से और जो एक्साइटिंग बातें हमने की उनका इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठा सकें. और बाकी ये कि प्रोटेक्ट योर ईमान एंड ऑलवेज मेक दुआ टू अल्लाह ताला एंड ऑलवेज प्रेफर द वन हु इज़ ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ गुड फैमिली एंड अबव ऑल हु लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर. ये हमारा आपके लिए मैसेज है. जज़ाकअल्लाह खैर फॉर बीइंग विद अस टुडे. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.